तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली असाइनमेंट में ये कहा गया था कि यह असाइनमेंट नेट से कॉपीड है और उसे रीचेकिंग के लिए भेज दिया गया। दूसरी असाइनमेंट में प्रोफेसर खुद असाइनमेंट लेना भूल गया और केस बना लेट सबमिशन का, जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि स्टूडेंट्स लेट नहीं थे बल्कि प्रोफेसर खुद एब्सेंट था। और लैब असिस्टेंट भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि प्रोफेसर साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, होमवर्क का बहाना बना के असाइनमेंट दे दिया, नहीं तो उसी दिन माय लॉर्ड असाइनमेंट सबमिशन हो जाता। और आज आप फिर से असाइनमेंट दे रहे हैं। उस असाइनमेंट के सबमिट होने से पहले कोई मेरे बैग में से असाइनमेंट चुरा ले जाएगा और केस बनेगा कॉपी का, आप फिर असाइनमेंट दे देंगे और उस असाइनमेंट से पहले मुझे पहला असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भेज दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई असाइनमेंट करने वाला रहेगा और ना ही कोई सबमिट करने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ असाइनमेंट। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिलते रहिए, लेकिन मार्क्स नहीं मिले माय लॉर्ड, मार्क्स नहीं मिले, मिला है तो सिर्फ असाइनमेंट। प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स के खिलाफ असाइनमेंट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है माय लॉर्ड। दो असाइनमेंट्स के बीच ये प्रोफेसर्स मार्क्स का धंधा करते हैं, धंधा, जहां असाइनमेंट कॉपी किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं और फाड़े जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ असाइनमेंट। स्टूडेंट सबमिशन के लिए अपनी नींद बेचकर कॉलेज आते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ असाइनमेंट। लड़कियों ने अपने बाल, मेकअप, यहां तक कि बॉयफ्रेंड भी बेच दिए और उन्हें भी मिले सिर्फ असाइनमेंट। महीनों सालों ऑफिस के चक्कर काटते काटते स्टूडेंट खुद बन जाते हैं असाइनमेंट, पर उन्हें भी मिलता है सिर्फ असाइनमेंट। ये केस दुनिया के कमजोर और सताए हुए स्टूडेंट्स का है। आज उन सब की नजर आप पर गड़ी है माय लॉर्ड, आप पर।